गोवर्धन रिपीट पर नवम पाठोत्सव कल से राधा कुंड परिक्रमा मार्ग में श्री कृष्ण के उद्रविगामी चरण चिन्हों से विभूषित गोवर्धन रिपीट भक्ति प्रद युगल स्वरूप प्रतिष्ठा के नवम पाठोत्सव पर 2 नवंबर से भक्ति की धारा प्रभावित होगी। गोवर्धन रिपीट पर ऐश्वर्य व्रज वैदिक संस्कृति के स्वर्णपूर्ण प्रभात के रूप में भारतीय आस्था के बीच मंगल कलश प्रतिष्ठा महान्यत्य महारस मनोहारी ठाकुर जी का श्रृंगार एवं भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यंत्रात्मक श्री विद्या की अर्चना परंपरा में अध्य गुरु वैदिक शोध संस्थान के ज्ञानानंद सरस्वती महाराज की सानिध्यता में वेद पाठी आचार्य गणों की वेद मंत्रोच्चारण के मंत्र ध्वनि से तलहटी गूंज रही है। स्वामी ज्ञानानंद स्वामी सरस्वती महाराज ने बताया कि प्रत्येक सवर्त के क्रम में ब्रजभूमि शीर्ष गिरिराज गोवर्धन जी के हृदय प्रदेश उद्धव कुंड एवं राधा कुंड के बीच भगवान के युगल चरण चिन्हों से विभूषित आराध्य गिरिराज जी की स्वरूप शिलाओं के सम्मुख श्रीपीठ बिहारी युगल स्वरूप का नवम पाठोत्सव मनाया जा रहा है। 2 नवंबर को परिक्रमा मार्ग से राधा कुंड का मंगल कलश प्रतिष्ठा के बाद कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद पाठोत्सव 8 नवम्बर कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा तक पर्याप्त चलेगा। इस बार चंद्रग्रहण पुण्य काल भी उदय हो रहा है। इस अवसर पर आचार्य दिलीप पंडित आचार्य बालचंद्र प्रियव्रत सौरभ त्रिपाठी विमल आदि मौजूद रहे थे। प्रत्येक संवत्सर के क्रम में ब्रजभूमि शीर्ष श्रीमान गिरिराज गोवर्धन जी के हृदय प्रदेश उद्धव कुंड और राधा कुंड के बीच ये भगवान के युगल चरण चिन्हों से जो विभूषित परम आराध्य गिरिराज जी के जो स्वरूप शिला हैं और इसके सन्मुख श्रीपीठ बिहारी युगल स्वरूप का और यंत्रात्मक जैसा कि नाम श्रीपीठ है ये भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा जो श्रीयंत्र श्री विद्या की अर्चन परंपरा है ये सभी विग्रहों के प्रतिष्ठा का पाठोत्सव इस वर्ष नवम पाठोत्सव के महापर्व पर अक्षय नवमी 2 नवंबर से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा पर्यंत इस वर्ष चंद्रग्रहण का भी पुण्यकाल हो रहा है। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ एक ऐसी यज्ञ है जो कथामय यज्ञ है। संहिता ने गान किया है कि सप्ताह यज्ञ कथामय अन्य प्रकार की यज्ञों का वर्णन है लेकिन ऐसी यज्ञ है जो कथामय सप्ताह यज्ञ है और सहस्र शीर्ष देव के द्वारा ये निश्रित है। हमारे जो सनकादि चत्वार ऋषि कुमार हैं उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की है। वीणा पाण देवर्ष ने इसी वृंदावन धाम से इसका महानाद किया है। तो इस गिरिराज जी की तलहटी में नवम पाठोत्सव भागवत संहिता का यज्ञ वैदिक आचार्यों के द्वारा वेदियों का पूजन मंगल कलश प्रतिष्ठा और भगवान का प्राकट महोत्सव फूल मंगले 56 भोग महान नित्य श्रृंगार ये सब महामहोत्सव इस पुण्यकाल में आयोजित होंगे। प्रथम दिवस में पहले जो भागवत महाराज की पोथी कलश यात्रा है श्री राधा कुंड तक अश्वरथों से मांगलिक वाद्यों के साथ मंत्रनाद के साथ संपन्न की जाएगी। भागवत जी की पोथी प्रतिष्ठा होगी और प्रतिदिन अपराह्न का सत्र 2 बजे से लेकर के और 6 बजे तक भगवान का कथामय होगा। पूर्वाह्न का जो वैदिक आचार्यों के द्वारा प्रतिष्ठा मंगल पूजन और हवन का सत्र रहेगा। इस तरह से महामहोत्सव भगवान